वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज के इस ट्यूटोरियल में हम प्रोडक्ट ओवरराइड एंड प्रोडक्ट हिस्ट्री आफ्टर प्रोडक्ट सिलेक्शन ये दो फीचर के बारे में जानेंगे। पहले हम प्रोडक्ट ओवरराइड फीचर के बारे में जानते हैं। ये फीचर मिरेकल में विद स्टॉक प्रोडक्ट्स जहां पे भी आएगा वहां पे ये फीचर का यूज कर सकते हो, वेदर इट सेल्स और परचेज। जिसका सेटअप हम देख लेते हैं, गो टू सेटअप, वाउचर सेटअप, सेल्स इनवॉइस में प्रोडक्ट एंट्री ऑप्शन में प्रोडक्ट नेम ओवरराइड को यस सेट करें। इसे होगा क्या, वाउचर ऐड करते टाइम आइटम एंट्री के टाइम पे हमारा कर्सर जो प्रोडक्ट हम सिलेक्ट करके ऐड कर रहे हैं वहां ही रुका रहेगा। यानी हमें प्रोडक्ट के नाम में अगर कोई चेंज करना है या कुछ प्रोडक्ट के रिलेटेड अलग से डिटेल्स ऐड करनी है तो हम पर्टिकुलर वाउचर में आइटम एंट्री के टाइम पे कर सकते हैं। एंड इससे हमारी जो मेन प्रोडक्ट है उसमें कुछ भी चेंज नहीं होगा। इवन स्टॉक लेजर भी मेन प्रोडक्ट ही कंसीडर करेगा। इस वाउचर को प्रिंट भी करवा सकते हैं, जिसके लिए वाउचर प्रिंट फॉर्मेट में सेटअप रिक्वायर्ड है, जिसके लिए वाउचर प्रिंट फॉर्मेट में फील्ड वैल्यू में प्रोडक्ट नेम ओवरराइड सेट कर लें एंड फॉर्मेट को सेव कर लें। वाउचर को प्रिंट करते ही आप देख सकते हैं प्रोडक्ट नेम डिटेल्स में हमने जो चेंज किया था वो प्रिंट हो गया है। तो कुछ इस तरह से आप प्रोडक्ट ओवरराइड फीचर का यूज कर सकते हो एंड अपना अकाउंटिंग इजीली मेंटेन कर सकते हो। अब हम प्रोडक्ट हिस्ट्री आफ्टर प्रोडक्ट सिलेक्शन फीचर को जान लेते हैं। जैसा कि आप आइडिया लगा ही सकते हैं फ्रॉम फीचर नेम कि ये क्या हेल्प कर सकता है। प्रोडक्ट एंट्री के टाइम किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट की सेल्स एंड परचेज हिस्ट्री, यानी किससे हमने ये प्रोडक्ट परचेज किया था एंड किसको सेल किया था, वो हम इस फीचर की मदद से जान सकते हैं। जिसका सेटअप देखते हैं, प्रोडक्ट एंट्री ऑप्शन में प्रोडक्ट हिस्ट्री आफ्टर प्रोडक्ट सिलेक्शन ऑप्शन को यस सेट करें, चेंज को सेव कर लें। अभी हम वाउचर ऐड करते टाइम पर्टिकुलर प्रोडक्ट को सिलेक्ट करके एंटर प्रेस करते ही प्रोडक्ट हिस्ट्री पॉपअप बॉक्स ओपन होगा, जिसमें हमें प्रोडक्ट की लास्ट सेल्स एंड परचेस हिस्ट्री डिटेल्स जैसे बिल नंबर, वाउचर डेट, क्वांटिटी विथ रेट एंड अमाउंट शो करेगा। ऑल पार्टी बटन की हेल्प से अगर इस पार्टी के अलावा कोई जितनी भी पार्टीज के साथ ट्रांजेक्शन हुआ है वो डिस्प्ले होगा। तो कुछ इस तरह से हम प्रोडक्ट हिस्ट्री आफ्टर प्रोडक्ट सिलेक्शन का यूज कर सकते हैं। इस ट्यूटोरियल को हम यहाँ समाप्त करते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।